पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म एक बार फिर से तब्दील। आईजी पंजाब कहते हैं यूनिफॉर्म की तब्दीली का फैसला अफसरान और अहलकारों की मशावरत से किया गया है। उम्मीद है नई वर्दी पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। रिपोर्ट देखिए मुदस्सिर हुसैन की। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म दूसरी बार बदल गई। वजीर आला की जानिब से वर्दी बदलने की मंजूरी के बाद आईजी पंजाब की लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगु। अमजद जावेद सलीमी कहते हैं यूनिफॉर्म की तब्दीली का फैसला न सिर्फ अफसरों की मुशावरत से किया बल्कि इस मामले में अहलकारों की राय भी शामिल है। पूरी पंजाब पुलिस का ये मुत्तफिका फैसला है। हमने 1000 SHO लेवल के अफसरान इंस्पेक्टर्स को बुलाया और उनसे राय तलब की, तो यूनैनिमसली 1000 के 1000 लोगों ने कहा कि ये हमारे यूनिफॉर्म बदलनी चाहिए। आईजी पंजाब ने मजीद बताया कि पंजाब पुलिस की वर्दी इस्लामाबाद पुलिस की तर्ज पर होगी। ये पुलिस का इंटरनेशनल यूनिफॉर्म है, ये आजमूदा रंग है। उम्मीद है किसी को नई वर्दी पर कोई एतराज नहीं होगा। लाइट ब्लू कलर की शर्ट है और वो इंटरनेशनल कलर है ये, और नेवी ब्लू पैंट का कलर है, और सर्दियों में नेवी ब्लू जैकेट और ट्राउजर्स होगा। वो एक काफी उस पर R&D करने के बाद जो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कलर है। पुलिस अहलकारों ने भी नई यूनिफॉर्म के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। जो भी फैसला किया है इन्होंने बेहतर फैसला किया और इंशाल्लाह हम अपने प्रोफेशनल के हिसाब से बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह। आवाम की खिदमत के लिए हमें वर्दी का कोई इशू नहीं, हम उसी जज्बा से इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करते रहेंगे। यूनिफॉर्म की दूसरी बार तब्दीली पर पुलिस बजट का एक बड़ा हिस्सा मुख्तस होगा। इससे कबल पुलिस की वर्दी तब्दीली पर 1.5 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं।